Welcome to UP Triple SC classes and subscribe my YouTube channel. हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं पेपर टू से प्रैक्टिस सेट आपका टू लेकर आया हूँ। पार्ट टू है ये, टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका सारा प्रश्न मैं पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी से सिलेक्ट किया हूँ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है भारतवर्ष, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, भारतवर्ष जो है सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश है। प्रश्न नंबर टू है, तवेदार पृथक्कारक डिस्क सेपरेटर्स अनाज को पृथक करते हैं। ऑप्शन ए है आकृति द्वारा, ऑप्शन बी है वजन द्वारा, ऑप्शन सी है रंग द्वारा, ऑप्शन डी है अमाप आकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, अमाप आकृति द्वारा जो है अलग करते हैं। प्रश्न नंबर थ्री है दोस्तों, गेहूं से सरसों के बीजों को पृथक करने के लिए उत्तम प्रकार का पृथक्कारक सेपरेटर है। ऑप्शन ए है विशिष्ट गुरुत्व पृथक्कारक, ऑप्शन बी है सर्पिल पृथक्कारक, ऑप्शन सी है केंद्रीय पृथक कारक आप जिसको सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर भी बोलते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों होगा बी, सर्पिल पृथक कारक जो है सबसे उत्तम प्रकार का पृथक कारक है। प्रश्न नंबर फोर है दोस्तों, 20 छिद्र वाली जाली में प्रति वर्ग इंच छिद्र की संख्या होगी कितनी होगी? ऑप्शन ए है 800, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 300। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों होगा बी, 400 नंबर होंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाला हूं और आता ही रहूंगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक ही प्रश्न आप स्किप मत करिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। प्रश्न नंबर फाइव है, स्कैल्पर प्रयुक्त करते हैं किसके लिए? ऑप्शन ए है सामग्रियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए, ऑप्शन बी है पत्थर अलग करने के लिए, ऑप्शन सी है सामग्री को बढ़िया करके तरीके से पृथक करने के लिए, और ऑप्शन डी है सामग्रियों को मोटा मोटा अलग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, सामग्रियों को मोटा मोटा अलग करने के लिए स्कैल्पर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर छः है दोस्तों, शक्ति चलित कोल्हों की पेराई क्षमता होती है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा उसको दोस्तों सी, जो है शक्ति चलित कोल्हों की पेराई 80% होती है। प्रश्न नंबर सेवन है दोस्तों, बीज प्रसंस्करण के समय बीज की नमी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 15 से 20%, ऑप्शन सी है 20 से 25%, ऑप्शन डी है 25% से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों होगा ए, 15%। प्रश्न नंबर एट है दोस्तों, सब्जियों के निर्जलीकरण के समय निर्जलीकरण का तापमान होना चाहिए? ऑप्शन ए है 40 से 50 सेल्सियस, ऑप्शन बी है 60 से 70 सेल्सियस, ऑप्शन सी है 80 से 90 सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 से 115 सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, 60 से 70 सेल्सियस होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, मक्का में स्टार्च की मात्रा प्रतिशत में लगभग होती है कितनी होती है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 80%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 70% मक्का में स्टार्च पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सोयाबीन में तेल का प्रतिशत होता है कितना प्रतिशत? ऑप्शन ए है 8 से 10, ऑप्शन बी है 18 से 20, ऑप्शन सी है 28 से 30, ऑप्शन डी है 38 से 40। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 18 से 20% तक सोयाबीन में तेल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, गुरुत्वीय पृथक्कारी निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है गुरुत्व, ऑप्शन बी है ड्रैग कर्षण के आधार पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी गुरुत्व और ड्रैग दोनों पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 12 है, पिसाई निम्न एक की एक प्रक्रिया है,
किसकी प्रक्रिया में आता है? ए है सुखाना शुष्कन, बी है चमकाना, सी है अमाप आकार लघुकरण और डी है पैकेजिंग या बधाई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि लघुकरण पिसाई से आकार छोटा होता है, अमाप आकार लघुकरण किया जाता है, यह प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर आपका 13 है, स्क्रू संवाहक में प्रयुक्त होने वाले द्रोणिका की आकृति होती है किस प्रकार से होती है? ऑप्शन ए है यू आकार, ऑप्शन बी है एल आकार, ऑप्शन सी है बी आकार, ऑप्शन डी है जे आकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यू आकार की होती है। प्रश्न नंबर आपका 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको ध्यान में रखिए। फल और सब्जियों को सुखाने हेतु बेहतर है कौन सा विधि बेहतर है? ऑप्शन ए है छिड़काव शुष्कक, ऑप्शन बी है तरलील प्रत शुष्कक, ऑप्शन सी है फ्रिज शुष्कक और ऑप्शन डी है कैबिनेट शुष्कक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका डी, कैबिनेट शुष्कक जो है बेहतर है। प्रश्न नंबर 15 है, भारतवर्ष में सोयाबीन का उपयोग मुख्यतः निम्न के उत्पादन के लिए किया जाता है, किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है खाने योग्य तेल के लिए, ऑप्शन बी है दालों के तौर पर, ऑप्शन सी है दूध के अनुकल्प, ऑप्शन डी है संसाधित आहार के रूप में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, खाने योग्य तेल के आधार पर सोयाबीन का जो है उपयोग मुख्यतः होता है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, गेहूं की पिसाई हेतु आधुनिक आटे की मिल किस प्रकार से है? अब ऑप्शन ए है डिस्क टाइप, ऑप्शन बी है खरसा टाइप, ऑप्शन सी है नीचे घूमने वाला पार्ट टाइप और ऑप्शन डी है रोलर टाइप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी, आधुनिक जो है आटा मिल अब रोलर टाइप के होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, LSU टाइप शुष्कक का विकास निम्न में हुआ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यूएसए जो है वहां से ये टाइप शुष्कक का जो है विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, सौर शुष्कन सुखावन किस शुष्कन सुखावन प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संवहन टाइप का, ऑप्शन बी है संचलन टाइप का, ऑप्शन सी है विकिरण टाइप का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, विकिरण टाइप का जो है सौर शुष्कन सुखावन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, किसी पदार्थ को पीसने के लिए लगने वाली ऊर्जा को दर्शाया जाता है किसके नियम के अनुसार? ऑप्शन ए है फिक के नियम द्वारा, ऑप्शन बी है किक के नियम द्वारा, ऑप्शन सी है न्यूटन के नियम द्वारा, ऑप्शन डी है स्टोक्स के नियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, किक के नियम के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार पूछा गया है, खाद उत्पादों से नमी को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैनिंग, ऑप्शन बी है स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी है पाश्चराइजेशन, ऑप्शन डी है निर्जलीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, निर्जलीकरण द्वारा जो हटाया जाता है। तो ये रहे दोस्तों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।